हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ नेहा वर्मा. तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास. तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में लिखेंगे सिनोनिम्स. तो सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं. ओके, तो सिनोनिम्स कौन, सिनोनिम के यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है. देखो, सिनोनिम आर द वर्ड दैट हैव सिमिलर मीनिंग. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स की लिस्ट दी गई है, उसके जो है सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स लिखे हुए हैं. तो आपको ये जो सिनोनिम्स है, मैंने टिक लगाया हुआ है पेंसिल से, जैसे कि कंसील का, हाइड, अलाउ का, परमिट, टायर्ड का, वेरी, एम्प्टी का, वैकेंट, डिस्पर्स का, स्कैटर, स्मेल का, ऑर्डर, एनुअल का, ईयरली, स्टार्ट का, कमेंस, कॉज का, डिसऑर्डर, स्टॉप का, सीज. तो ये जो 10 टोटल 10 वर्ड्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं, प्लस अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं. प्लस आप जब लिखोगे, ऊपर हेडिंग डालोगे सिनोनिम्स, देन आप सबसे पहले सिनोनिम की डेफिनेशन लिखोगे, ये वाली, सिनोनिम्स आर द वर्ड दैट हैव सिमिलर मीनिंग. प्लस उसका एग्जाम्पल आप लिखोगे, एग्जाम्पल नियर का क्लोज, क्विक का फास्ट. देन आप उसके बाद ये जो 10 वर्ड्स हैं, ये आप लिखोगे. ओके, देन हिंदी में हम लोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिख रहे थे, तो कल आपको 10 वर्ड्स दिए गए थे. तो आपको ये आज ये जो है महोदय से लेके कुत्ता तक 12 वर्ड्स और लिखने हैं. ये लास्ट होगा आज, लिंग बदलो में ये लास्ट होगा. तो पहला है महोदया. महोदया का होता है महोदया. गायक का गायिका, लोहार का लोहारिन, मालिक का मालकिन, नायक का नायिका, माली का मालिन, गुड्डा का गुड़िया, पड़ोसी का पड़ोसन, पाठक का पाठिका, बैल का गाय, रीछ का रीछनी, कुत्ता का कुतिया. तो ये जो 12 हैं, लिंग बदलो, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, प्लस इसको आपको लर्न भी करना है. देन मैथ्स में हम एक्सरसाइज 5C के वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे. तो क्वेश्चन 5 तक कल हो गया था, आज हम क्वेश्चन 6 to 8 देखेंगे, सॉरी 6 to 9 देखेंगे. तो पहला है हमारा क्वेश्चन, एन एलमीरा कैन होल्ड 6 328 बुक्स. हाउ मेनी बुक्स कैन बी कैप्ट इन 240 सच एलमीराज. तो एक अलमारी में हम 320 बुक्स को रख सकते हैं, तो वैसे ही 240 एलमीराज में हम कितनी बुक रख पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे बुक्स कैन बी कैप्ट इन एलमीरा. तो एक अलमीरा में 328 बुक्स रख रहे हैं हम लोग. तो बुक्स कैन बी कैप्ट इन 240 अलमीराज. तो 240 अलमीराज में बुक्स कितनी रखी जाएंगी, ये पता करने के लिए हम 240 को 328 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो जाएगा जो कि इन सारी अलमीरा में रखी गई हैं. ओके, देन क्वेश्चन 7 है, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज ₹697. हाउ मच विल 369 चेयर्स कॉस्ट. तो एक चेयर की कॉस्ट है ₹697. तो 369 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 697 को 369 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल मतलब कि मनी जो 369 चेयर्स की हमें कॉस्ट पता चल जाएगी. देन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज़ ₹7,564. तो एक रेफ्रिजरेटर की कीमत है इतनी, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 108 रेफ्रिजरेटर्स. तो एक 108 रेफ्रिजरेटर्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है. तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, आप जो है 7564 को 108 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 108 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट आ जाएगी. ओके, देन है एन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी इम्पोर्टेड 75 हाईटेक वॉशिंग मशीन्स फ्रॉम जापान. इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच सच मशीन वॉज ₹12,345, हाउ मच डिड द कंपनी स्पेंड ऑल टुगेदर इन दिस कनेक्शन. तो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी ने जापान से 75 हाईटेक वॉशिंग मशीन जो है मंगाई, अगर एक मशीन की कीमत है 12,345 रुपीज़, तो 75 की कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, इस अमाउंट को 75 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो जो आंसर आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, कि इन वो इतनी रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट आ जाएगी, प्लस आपको ये पता चल जाएगी कि इतना रुपया जो है कंपनी वालों ने खर्च किया है इन मशीन्स को मंगाने के लिए. ओके, तो आपको ये जो है
नोटबुक में करना है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है, आपको या दो क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, आप स्टेटमेंट नहीं बना पा रहे हो, तो आप पूछ सकते हो मुझसे कॉल या मैसेजेस से। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। जीके में आज आप चैप्टर 17 पेज 20 करोगे, तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं एंशियंट रामायण और महाभारत से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन जो हैं आपको अपनी बुक में ही करने हैं, और प्लस इसको आपको समझना है और इसको आपको रिमेम्बर मतलब याद भी करना है। ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी के लिए भी और बाद के लिए भी, तो आपको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।